सो हेलो गाइज, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मारुति सुजुकी की टोयोटा की ग्लेंजा। टोयोटा ग्लेंजा, मारुति सुजुकी बलेनो, दोनों सेम ही कार है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बस सिर्फ लोगोज वगैरह का और छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं। उस बारे में बात नहीं करूँगा, बट ओवरऑल चेंजेस के बारे में बात करेंगे कि आज की डेट में क्या इस गाड़ी को परचेस करना वर्थ है या फिर नहीं है। लगभग इसकी ऑन रोड प्राइसिंग चली जाती है, दिल्ली का ऑन रोड प्राइस 11,25,000 रुपये के आसपास, जो भी इसकी वो है ना बुक रेट, वो मैं अटैच कर दूँगा सामने, आप लोग देख लेना। तो ओवरऑल जैसे कि फ्रंट के डिज़ाइन की बात करी जाए तो देखने में गाड़ी को थोड़ा शार्प बनाया है, शार्प इन द सेंस कि जो इसकी राउंड राउंड लाइट्स हुआ करती थी उनका जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा शार्प कर दिया है। हालांकि इसके अंदर जो यहाँ पे DRLs हैं वो आपको प्रॉपर LED DRLs मिलेंगे, इंडिकेटर वहीं पे मिलेगा और सिंगल इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेगा जिसमें लो बीम हाई बीम दोनों की फंक्शनैलिटी आएगी। एक चीज़ इन्होंने जो बढ़िया अपग्रेड करी है वो है भाई इसके अंदर LED फॉग लैंप्स, इधर LED फॉग लैंप दे दिए, इधर की तरफ प्रॉपर आपको इसमें क्रोम ट्रीटमेंट मिलेगा। एंड ओवरऑल भाई साइड प्रोफाइल और चेकआउट करवा देता हूँ। देखो साइड से देखने में लेंथ वाइज तो गाड़ी पूरी उतनी है, लेंथ को लेकर आपको इसके अंदर कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है। टायर साइज़ की बात करी जाए तो इसके अंदर जो अलॉय व्हील है उसका डिज़ाइन आपको चेंज कर दिया, अपोलो का टायर अभी भी मिलेगा, पहले भी आता था, क्योंकि आई एम ऑलरेडी मारुति सुजुकी बलेनो ओनर तो मेरे को काफ़ी सारी बातें इस गाड़ी के बारे में ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पता है। देख लो भाई टायर साइज देख लो, 195/55 R16 इंचेस के इसके अंदर चार अलॉय व्हील देखने के लिए मिलते हैं। 360 डिग्री कैमरा भी ऐड कर दिया, जो मस्त चीज़ है यहाँ पे, देखो ये रहा 360 डिग्री कैमरा। ORVM के ऊपर इंटीग्रेटेड आपको टर्न इंडिकेटर्स देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे, एंड जो फ्रंट कैमरा है वो मेरे से दिखाने से मिस हो गया था, वो भाई आपको यहाँ पे लोगों के नीचे देखने के लिए मिलेगा, ये रहा, ठीक है। तो ओवरऑल फ्रंट में यहाँ पे जो कार्बन फाइबर वाला डिज़ाइन है ये बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में, यहाँ पे वाला टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फ्रंट की डिज़ाइन तो देखने में नो डाउट काफ़ी ज़्यादा शार्प है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। यहाँ पर मैंने पूरा खर्चा करवाया भाई, ये पूरी किट लगवाई है, बम्पर बढ़िया लग रही है। तू वो अंदर से क्या इंटीरियर लग रहा है, तू पहली बार बैठा है ना अभी, कल मैंने टेस्ट ड्राइव भी ली थी इस गाड़ी की, मुझे बहुत तगड़ी लगी। इंटीरियर अभी दिखाएंगे, हाँ चलो अभी। हाँ साइड प्रोफाइल के अंदर जो पहले ये लोअर विंडो गार्निश थी वो सिर्फ यहाँ पे खत्म हो जाती थी, अब ये पीछे तक आगे तक ऊपर तक दे दिए, जैसे कि i20 के अंदर आती है। बाकी ये सारी चीज़ें एक्सेसरीज का पार्ट है, ये हो गया सब एक्सेसरीज का पार्ट है, आपको अलग से पे करना पड़ेगा। क्रोम डोर हैंडल इसके अंदर डेफिनेटली मिलेंगे। अब डोर भाई थोड़ा हैवी फील हो रहा है, मतलब वेट के मामले में अब गाड़ी बढ़िया लग रही है, पहले 930 किलो की हुआ करती थी, अब इसका वेट कर दिया 1400 कुछ किलो। हालांकि मैं सारी डिटेल्स स्क्रीन पे लिख दूंगा। पीछे से अगर बात करें तो भाई रियर टेल सेक्शन देख लो, टेल सेक्शन के अंदर आपको प्रॉपर यहाँ पे देखो ये LED लाइट्स मिलेंगी, ये LED हैं, ये सब फेक है, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका ये इंडिकेटर हो गया, रिवर्स पार्किंग वाली लाइट, रिवर्स गियर डालोगे तो बैक लाइट मिलेगी, रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पे मिलेगा, टोयोटा का लोगो, ग्लेंजा की ब्रांडिंग, वी की यहाँ पे लोगो मिल जाएगा क्योंकि वी वेरिएंट है, और पीछे की तरफ आपको रियर में डिफॉगर, वाइपर, यहाँ पे मिलेगा आपका वॉशर, यहाँ पे वॉशर मिलेगा इधर की एक साइड पे, ठीक है। तो सारी चीज़ें रियर में मिलेंगी। और एक चीज़ और इसके अंदर अच्छी लग रही है, ये जो इसका स्पॉइलर है ना थोड़ा सा अब डाउन साइड में कर दिया है, देखने में थोड़ा सा जो स्लोपी है ना अच्छा लग रहा है। ऊपर की साइड एंटीना आपको सेम वही मिलेगा, अगर इसको ऐसे रोटेट करोगे तो ये खुल भी जाता है, देखो इस तरीके से ऐसे रोटेट करके इसको खोल के ना गाड़ी के अंदर भी रख सकते हो। तो ये कुछ रही बात गाड़ी के रियर प्रोफाइल की, यहाँ पे बम्पर के अंदर भी एक छोटा सा टच दे रखा है जो बढ़िया लग रहा है वाली चीज़ है ना। और ये पीछे की तरफ ये जितनी चीज़ें देख रहे हो ये एक्सेसरीज का पार्ट है, ये एक्सेसरीज का पार्ट है, ये भी एक्सेसरीज का पार्ट है, और ये नीचे का जो पोर्शन है आपको स्टैंडर्ड मिलेगा गाड़ी के अंदर। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ से आप सिंगल क्लिक करके अपना जो बूट है खोल सकते हो, इस वाले बटन से गाड़ी अनलॉक होती है, ऐसा कुछ इसके अंदर बूट स्पेस मिलता है। जो साइज़ भाई बूट का पहले था वही साइज़ आपको इसका अभी भी देखने के लिए मिलेगा। एक यहाँ पे हुक मिलेगा, यहाँ पे आपको लाइट मिलेगी, ऐसे बटन से ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, जब इसका टेल गेट बंद करोगे तो वो लाइट भी ऑटोमेटिकली जो ऑफ है वो हो जाती है। इधर की साइड से भी देखने में गाड़ी आपको सेम मिलेगी, अगर इसकी बात करी जाए तो इसको ऐसे क्लिक करके नहीं खोला जा सकता, इसको अभी भी ड्राइवर अंदर से अनलॉक करेगा, देन उसके बाद आप इसके अंदर पेट्रोल डला सकते हो। एक ही पेट्रोल इंजन के साथ आती है 1.2 लीटर वाला, जिसके अंदर इंजन आता है 4 सिलेंडर, 89 BHP की पावर मिलती है, 114 Nm का है, 13 Nm का टॉर्क मिलता है। रिक्वेस्ट सेंसर जो है आपको ड्राइवर साइड भी मिल जाता है, को ड्राइवर साइड भी मिल जाता है, अगेन ये एक अच्छी चीज़ है। अगर गाड़ी के इंटीरियर के अंदर एंटर करेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर बहुत शानदार लगेगी ये ब्लैक पियानो फिनिश देखने के लिए मिलेगी, प्रॉपर ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ। यहाँ पे आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लोगे तो क्रोम डोर हैंडल भी मिलेंगे, और यहाँ पे भी भाई इन्होंने पियानो ब्लैक फिनिश दे दी, वाओ। मेरी वाली गाड़ी के अंदर यहाँ पे सब प्लास्टिक है, ये पूरी प्रॉपर ब्लैक पियानो फिनिश, सॉफ्ट टच मटीरियल, अगेन सॉफ्ट टच मटीरियल, प्लास्टिक। क्वालिटी वाइज गाड़ी थोड़ी सी इंप्रूव्ड लग रही है, अगर बलेनो देखते हो तो सारी चीज़ें उसकी हिलती है। इसके स्पीकर के ऊपर की जो कैप है उसका डिज़ाइन चेंज कर दिया है। अब जरा इंटीरियर दिखा देता हूँ एक बारी, लो भैया इंटीरियर देख लो, लाइट्स ऑन करते हैं। इंटीरियर देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को ये जो कलर देख रहे हो ग्रे कलर का, इसका यहाँ पे इंटीरियर दे रखा है, ये सॉफ्ट टच मटेरियल है, बट इससे सेम कलर ये दे रखा है बट ये प्लास्टिक के अंदर मिलेगा। यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश मिलेगी, ये सारी ब्लैक पियानो फिनिश, और इसके अंदर भाई ये 9 इंचज की स्क्रीन, भाई क्या लग रही है देखने में, मैं कसम से बता रहा हूँ भाई बहुत सुंदर नज़र आ रही है देखने में। एक बार फ्लैश ऑन करके दिखा देता हूँ,
देखो भाई एक बार पूरी गाड़ी देख लो, ब्लैक कलर का पियानो ट्रीटमेंट दे रखे हैं, यहाँ पे टच बटन्स दे रखे हैं, यहाँ से आपका जो हजार्ड है वो चल जाएगा। और स्टीयरिंग व्हील भी अब गाड़ी के अंदर पूरा चेंज कर दिया है, पहले जो बलिनो के अंदर स्टीयरिंग व्हील आता था वो डिफरेंट था, थोड़ा सा पतला है, स्पोर्टी है, फ्लैट बॉटम मिल जाएगा, इधर से आप कॉल अटेंड वगैरह कर सकते हो। देखो यहाँ से सारे कॉल अटेंड करने के स्विचेस हैं, यहाँ पे आप लोगों के सारे वॉल्यूम वगैरह के हो गए म्यूट करने का, और इधर की साइड में क्रूज कंट्रोल जो मैं अपनी बलिनो के अंदर बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ, और ये छोटी सी टिंगू सी गियर नोव ये देखने में ऐसी लगती है जैसे ऑडी वगैरह के अंदर नहीं आती, कितनी छोटी सी गियर नोव होती है, इसको ऐसे करके आगे पीछे करके लगा सकते हो गियर अपने। एक बार ड्राइवर साइड बैठ के आपको प्रॉपर अच्छे से दिखा देता हूँ, इधर मिलेगा आपको ग्लोब बॉक्स का जो साइज़ है वो अभी भी उतना ही है जितना पहले था, कोई ज़्यादा डिफरेंसेस है नहीं। चलो पल्ली साइड आते हैं एक बार देखते हैं प्रॉपर गाड़ी कैसी है, मगर गाड़ी के जो गेट वगैरह ना उनकी जो ठग वाली साउंड है वो थोड़ी सी मस्त आपको फील होगी कि लगेगा कि हाँ भाई गाड़ी के अंदर थोड़ा दम आ चुका है जो जेन्युइनली आ भी गया है। अब एक बार ड्राइवर साइड से और दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं इस गाड़ी के अंदर। जैसे ड्राइवर साइड डोर ओपन करोगे तो भाई यहाँ पे ऑल पावर विंडोज मिल जाएंगी जैसे कि नॉर्मली पहले से मिलती चली आ रही है, सिंगल टच अप एंड डाउन की फंक्शनैलिटी मिलती है ड्राइवर साइड विंडो में, यूवी कट ग्लासेस मिलते हैं, अगर इसके अंदर हाथ वात आ जाता है बीच में तो मिरर नीचे आ जाता है ठीक है, और ओआरवीएम्स वगैरह यहीं से फोल्ड अनफोल्ड हो जाएंगे, यहीं से एडजस्ट हो जाएंगे, यहाँ से चाइल्ड सेफ्टी वाला बटन मिलता है, और ये देखो ब्लैक पियानो ट्रीटमेंट इधर भी है, सॉफ्ट टच मटेरियल, प्लास्टिक, 1 लीटर का बॉटल होल्डर, यहाँ पे मैगजीन रख सकते हो, और इधर की तरफ आपका स्पीकर। गाड़ी के अंदर स्कफ प्लेट्स वगैरह अगर चाहो तो आपको अलग से लगवा सकते हो, आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, ये आपको टोयोटा वाले भी प्रोवाइड करवा देंगे, यहाँ पे स्कफ प्लेट्स लग जाती हैं जो लुक को अच्छी बनाती है, और साथ में ना यहाँ पे स्क्रैच वगैरह नहीं आती, काफ़ी लोग इस पे पैर वैर रख देते तो उस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है। ड्राइवर साइड सीट देखोगे तो भाई 6-way एडजस्टमेंट के साथ आएगी, यहाँ से ऊपर नीचे आगे पीछे, और इधर की तरफ देखोगे तो भाई टायर प्रेशर की आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिन लोगों को नहीं पता कि टायर के अंदर हवा कितनी डलानी चाहिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, गाड़ी का इंटीरियर दिखाता हूँ, और गाड़ी का इंटीरियर भाई बहुत ही आलीशान है इसका जनरली भाई, अगर इसके अंदर यहाँ पे टोयोटा वालों ने कुछ अपग्रेड करा है तो भाई तगड़ा अपग्रेड करा है, जैसे कि ड्राइवर वाली आप कॉकपिट पे बैठोगे, ड्राइवर सीट पे बैठोगे तो आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि यार आप मारुति सुजुकी आप टोयोटा की ग्लैंजा के अंदर बैठे हुए हो। प्रॉपर भाई पूरा लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, यहाँ पे ब्लैक पियानो ट्रीटमेंट, ये बटन्स हो गए, ये आपके ऑडियो वाले बटन मिल जाएंगे, ये आपकी 9 inches की स्क्रीन, ये वाली जो गाड़ी है इसके अंदर बैटरी नहीं है, वरना मैं सारी चीज़ आपको ऑन करके भी दिखा देता अगर आप कहोगे देखने के लिए, अगर आप लोग कहोगे कि हाँ भाई देखनी है तो एक बारी मारुति सुजुकी के पास जो आ रखी है वहाँ पे चल के वाली भी देख लेंगे। ये सारे एसी के कंट्रोल यार क्वालिटी वाइज अच्छा कर दिया है काम मारुति ने, है ना, ये देखो कितने सही मतलब प्रीमियम फील हो रहे हैं देखने में। यहाँ पे हजार्ड का बटन है, और ये जो ब्लैक पियानो चीज ट्रीटमेंट का यूज़ करा है ना, ये जो फिनिश यूज़ करी है ये बहुत अच्छी यूज़ करी है, प्लास्टिक क्वालिटी देख लेते हैं ठोक बजा के सही है। ये जो ये देख रहे हो ना ये स्क्वायर सा डिब्बा सा भैया, ये हेड्स अप डिस्प्ले HUD, इसका काम क्या होता है जब आप गाड़ी चलाओगे ना तो आपके स्पीडोमीटर पे यहाँ पे आपको देखने की जरूरत नहीं, आपको स्पीड वहाँ पे लिखी हुई दिखेगी, ऐसा लगेगा रोड पे लिखी आ रही है, और वहीं पे आपको आपका जो फ्यूल इफिशियंसी है वो भी देख सकते हो, RPM भी देख सकते हो। ऑटो डिमिनिशिंग वाला IRVM मिलता है जो मुझे इस गाड़ी का बेस्ट पार्ट लगता है, ये इसकी लाइट सिंगल क्लिक करके ऑन एंड ऑफ। इधर की तरफ देखोगे वैनिटी में मिरर प्लस एक लाइट, वही सेम चीज आपको को ड्राइवर साइड में मिलते हैं, वैनिटी में मिरर और एक लाइट, सारी चीज़ें कर देते हैं बंद। बंद करने के बाद अगर ड्राइवर साइड देखोगे राइट साइड तो एसी वेंट की डिज़ाइन कुछ ऐसी है, और एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्ट्स हैं जो थोड़े से मतलब शार्प डिज़ाइन के एंगल है ना, बड़े सही से लग रहे हैं, सेक्सी से लग रहे हैं देखने में। यहाँ से हेड्स अप डिस्प्ले, यहाँ से आप लोग इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो, 360 डिग्री कैमरा, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ, आइडल स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, यहाँ से लाइट्स को अप एंड डाउन कर सकते हो, मतलब बहुत सारे कंट्रोल्स हैं राइट साइड के अंदर। यहाँ से दोनों बटन हैं, इनसे आप लोग MID को कंट्रोल कर सकते हो, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ मिलेगा, फ्रंट एंड रियर का डिफॉगर, USB आपको यहाँ पे मिलने वाली है, गाड़ी के अंदर ऑक्स हटा दिया USB के साथ, यहाँ पे पहले ऑक्स भी आती थी, अपनी आती कोई यूज़ भी नहीं है उसका, बेकार है। यहाँ पे 12V का चार्जिंग पोर्ट मिलता है, और इधर चाहो तो आप अपना मोबाइल फोन वगैरह रख सकते हो। पहले ये जो बलिनो आती है मेरे पास, जो बलिनो उसके अंदर ये पूरा एक बड़ा स्पेस है, बट अब इसको एक ही फिक्स कर दिया, यहाँ पे दो बॉटल होल्डर और एक वो। भाई गियर नोव की बात करूँ तो ये भाई कितनी सही है, ये ऐसे करके आप लोग अपने गियर वगैरह डाल सकते हो। यहाँ पे आपका हैंड ब्रेक, पहले ये भाई स्लाइडिंग नहीं था, अभी स्लाइडिंग कर दिया है, और प्लस इसको ऐसे करके खोल सकते हो, आगे कर सकते हो, गाड़ी चलाते हो कंफर्ट रहेगा प्रॉपर। रियर स्पेस के अंदर भाई कोई चेंजेस नहीं है, बस एक बेस्ट पार्ट क्या दे दिया, रियर AC वेंट फ्लैश ऑन कर लो भाई, रियर AC वेंट दे दिया जो बहुत ज़्यादा इसके अंदर मिसिंग लगते थे, पीछे दो दो चार्जिंग के पोर्ट भी हैं, ये मज़ा आ गया। एक टाइप सी है, अरे वाओ, एक टाइप सी है, एक माइक्रो, एक USB वाला, ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि आईफोन यूजर जैसे हमें, हमारे पास आईफोन में दिक्कत होती है, आम रेस्ट की कमी छोड़ दी, 60-40 रेशो में स्प्लिट होने वाली सीट्स भी हैं। तो बाकी गाड़ी देखो मस्त है, कैसी लगी कैसी नहीं लगी मेक श्योर कमेंट डाउन बिलो कमेंट करके बताना।